सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिन पासवर्ड के ऊपर। आप भाई अपना पासवर्ड जो है वो कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। आप भाई अपना जो कैमरा है V38 Pro या कोई भी दूसरा CCTV कैमरा जो वाईफाई है उसे कनेक्ट करते हैं तो आपके पास ये जो विंडो आ जाती है कि पासवर्ड जो है वो टाइप करें, लेकिन आपके पास तो पुराना पासवर्ड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का जो हल है वो आज मैं आप भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप भाई जो है इस पासवर्ड को किस तरह फॉरगेट कर सकते हैं, किस तरह रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप भाई जानना चाहते हैं कि आपने इस पासवर्ड को किस तरह चेंज करना है, किस तरह फॉरगेट करना है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने इस वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आप भाइयों को बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी कि आप जो है वो ये पासवर्ड जो है वो कैसे तब्दील करें, कैसे चेंज करें। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ स्टेप जो है वो मिसिंग थे, तो मुझे ये वीडियो दोबारा बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि आप भाइयों को बताऊं कि आप जो अपना जो पासवर्ड है वो कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही सो गाइस, मैं आप भाइयों को बताता जाऊं, अगर आप भाइयों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है। और इसके साथ ही आप भाइयों ने एक और काम करना है, आपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ ना कुछ मदद मिली, तो आप भाइयों का भी हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सो गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा लोगों के जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए ताकि मुझे ये वीडियो दोबारा बनाने की इसीलिए जरूरत पड़ी ताकि आप भाइयों को भी पता चले कि आप जो ये एडमिन पासवर्ड है उसे किस तरह फॉरगेट कर सकते हैं, किस तरह इसका पासवर्ड जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो सिंपली जब आप भाई जो है वो अपना कैमरा कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है वो आ जाता है। तो सिंपली क्या करना है, आपके पास नंबर ये स्टेप है 1, तो आपने ये जो नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप भाई जो है वो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ये स्टेप आ जाएंगे, आपने इन स्टेप को जो है वो फॉलो करना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने अपना जो CCTV कैमरा है उसके ऊपर चले जाना है। CCTV कैमरे की बैक साइड के ऊपर या डोन साइड के ऊपर मुख्तलिफ कैमरों की मुख्तलिफ जगह के ऊपर एक रीसेट का बटन होता है, तो उसके साथ लिखा होता है रीसेट। जैसा कि मैंने ये कुछ कैमरे की जो है वो जो पिक्चर्स के अंदर मैंने शो की है, ये जो रीसेट बटन है आपने इसे प्रेस करना है। तो आप भाई जिस तरह इस रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें से कैमरे की आवाज आएगी कि यू पासवर्ड हैज बीन रीसेट। जैसा कि मैंने अपने कैमरे को पासवर्ड रीसेट किया तो इसमें से जो साउंड आया वो आप सुन लीजिएगा। तो ये जो म्यूजिक है, ये साउंड है, आप भाइयों को भी इसी तरह जो है वो साउंड आएगा जब आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद फिर आपने क्या करना है, तो सिंपली आपने पहला स्टेप क्या किया, आपने फॉरगेट जो नीचे पासवर्ड है उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने दूसरा स्टेप जो किया कि अपने कैमरे के ऊपर जो आप भाइयों का बटन है आपने उसे प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जो तीसरा स्टेप आप भाइयों के पास आ जाता है, आपने जो एप्लीकेशन ओपन की हुई थी उसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने उसे दोबारा ओपन करना है। तो क्लोज आपने किस तरह करना है, ये ना हो कि आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, अनइंस्टॉल नहीं करना, जस्ट आपने उसे मैन्युअली क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद उस एप्लीकेशन को दोबारा खोलना है, तो आप उस एप्लीकेशन को जिस तरह ही दोबारा खोलेंगे और वीडियो प्ले करने के लिए उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ही आ जाएगा कि आप वो जो पासवर्ड है वो सेट नहीं है, आप अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लीजिएगा। तो नीचे ही सेट पासवर्ड का ऑप्शन ये देखिए आपको देखने को मिल चुका है, तो आपने इस सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर ही आप भाइयों को एडमिन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और नीचे जो दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो है पासवर्ड के, आपने इन दोनों के अंदर सेम पासवर्ड टाइप करना है। और एक बात और जो सबसे बड़ी अहमियत की बात है वो आप भाइयों को बताता जाऊं, ये जो पासवर्ड है सब सेम नहीं लिखना, जस्ट इसमें पहले जो वर्ड है पहला वर्ड वो कैपिटल में लिखना है, जैसा कि मेरा नाम शाहिद है और इसका जो पहला वर्ड है एस वो कैपिटल में होना चाहिए और जो बाकी वर्ड है वो स्मॉल होने चाहिए, और इसमें से 2 से 3 वर्ड जो है वो मैथ के होने चाहिए, फिर आपका पासवर्ड जो है वो लगेगा। क्योंकि नीचे इंट्रोडक्शन आ रही है ग्रीन कलर के अंदर, जब ये सारी हो जाएंगी उस वक्त आपका पासवर्ड सेट होगा वरना आपका पासवर्ड नहीं लगेगा, आपको इसके अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपने उस पासवर्ड को लगाकर नीचे ओके का बटन है आप ओके कीजिएगा तो आपका जो पासवर्ड है वो लग जाएगा, आपकी जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगी। ये थी छोटी इसी वीडियो जो मैंने स्टेप बताए हैं, आपने इन स्टेप को लाजमी से फॉलो करना है। नंबर 1 पे आपने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद नंबर टू के ऊपर आपने जो अपने कैमरे के ऊपर रीसेट बटन है उसे प्रेस करना है। तो उसे प्रेस किए बगैर आप जो है वो पासवर्ड जो है वो फॉरगेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर आपने नंबर स्टेप थ्री पे ये करना है, आपने उस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करना है, दोबारा खोलना है। आप भाई जिस तरह ही दोबारा खोलेंगे तो आपके पास नया पासवर्ड लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो जो आप भाई के साथ शेयर की, इसके साथ ही गाइस आप भाइयों को बताता जाऊं कि आप भाइयों को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है या आप भाइयों के जो सीसीटीवी कैमरे का पासवर्ड है वो फॉरगेट हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने इस मेरी वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है। और इसके साथ ही जो भाई अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर आती रहती है। और आप भाइयों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर करनी है। और इसके साथ ही और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। तो सुबह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाई ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।